आज का मुद्दा तो आप सब ये तो जानते ही हैं कि इलेक्शन को लेकर के है। कुछ ही घंटे रह गए, एलाहाबाद को अपना नया विधायक चुनना है, निश्चित तौर पर सरकार में सांझा डालना है, अगले 3 सालों के लिए अपना भविष्य तय करना है। मुझे उम्मीद है कि एक एक कीमती वोट जो है, एक वोट नहीं, एक वोट 1 लाख के बराबर है, वो आने वाली राजनीति को भी तय करेगा, बहुत कुछ तय होगा। कल मैं देख रहा था कि हमारे बहुत ही आदरणीय टिकैत साहब संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर आए थे। कुछ दिन पहले से हम और आप देख रहे हैं, चंदूनी साहब भी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं किसानों को, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अपनी बात कह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा, इसको अगर मैं इसकी परिभाषा पे जाऊं, मेरा आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा प्रश्न यही है सभी किसान नेताओं से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा। यूनाइटेड किसान मूवमेंट का ये यूनाइटेड 43 लोगों की एक बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले जब नॉमिनेशन फाइल हुए तो संयुक्त किसान मोर्चा का हरियाणा वर्जन निकल के आया, वो कहने लगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा। कुछ लोग दिल्ली के बॉर्डर से चल करके आए ये कहने, जिसमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे, कि ये हमारा नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। आज इनके जो इंचार्ज हैं, मुझे नहीं पता कौन इंचार्ज है संयुक्त किसान मोर्चा का, जो एक लीडर हो 43 लोगों में से, मेरा खुला प्रश्न है उनसे ये, और हरियाणा की जनता को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि खुले तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा का एक आदमी, एक बड़ा लीडर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, जेजेपी बीजेपी और इनेलो का भी विरोध कर रहा है, और दूसरा लीडर खुले तौर पर इनेलो के वोट मांग रहा है, तीसरा लीडर इलेक्शन लड़ रहा है। आप, मैं बिना नाम ले कहूंगा, यह समझ सकते हैं कि ये इन संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली में बैठे लोगों का एजेंडा किसानी से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना, अपने राजनीतिक फायदे और उसके लाभ लेना है। इस तक सीमित हो गया, इससे आगे है ही नहीं। जो बात हम डे वन कह रहे थे वो आज सिद्ध हो रही है। मुझे हैरानी है कि 43 लोग इतनी बड़ी मूवमेंट, लाखों लोगों को विश्वास में लेकर के दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक रेवोल्यूशन, जिसकी अमेरिका तक जिसकी धाक पहुंची, उनकी यूनिटी कितनी बुरी तरह, उनकी एकता कितनी बुरी तरह, और उनकी आपसी अंदर की इंटरनल कितनी ताकत है, कितने वो यूनाइटेड हैं, संयुक्त हैं, ये एक्सपोज हो गई इलाहाबाद के इलेक्शन में। मतलब पहले टेस्ट में ही, जब सबको अपने इंटरेस्ट सिद्ध करने थे, वो एक्सपोज हो गए। चंदूनी जी कहते थे कि पंजाब में हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो इस बात को बहुत सारे संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने कहा था कि ये गलत कह रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था, आप सब जानते हैं। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे लोग आज आकर के किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, यानी सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो इंटरेस्ट समय समय पर लोगों के सामने आ रहे हैं। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इलाहाबाद की जनता को विशेष तौर पर और हरियाणा प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ यही बताने का आज कारण है कि कहीं जाट एजिटेशन में हरियाणा को जलवाने वाले लोग, हमारा नुकसान करवाने वाले लोग, कहीं ये उसका सेकंड पार्ट तो नहीं। सिर्फ ठंडे मन से जब वोट डालने जाएं, और हरियाणा की जनता भी इस बात को सिर्फ और सिर्फ ठंडे मन से सोचे और सोच करके फैसला करे कि कौन हमारा भविष्य तय कर रहा है। मैंने कहा था खुले तौर पे
पूछा था किसानों से आज से 20 दिन एग्जैक्ट 20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में कि आप हमें बैरियर्स पर रोकते हैं, टोल पर रोकते हैं, हमारा विरोध करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं इनके कहने पर, मगर आप अगर हमारा विरोध करते हैं वो जिस कारणवश करते हैं कि हम सत्ता के भागीदार हैं। मैंने कहा था कि पूरी जिम्मेवारी के साथ दुष्यंत चौटाला जी आप लोगों के पास आने को तैयार हैं, आप संयुक्त हो जाइए, दुष्यंत पर विश्वास कीजिए, देवीलाल जी की चौथी पीढ़ी पर विश्वास कीजिए जिस पर किसान का एक बड़ा टैग लगा हुआ है, जिसके लिए आप उसको काले झंडे दिखा रहे हैं, उस दुष्यंत पर एक मौके विश्वास कीजिए, दिल्ली चलिए, हम आपकी बातचीत करने को तैयार हैं, हम गृह मंत्री प्रधानमंत्री जहां तक ही लेके चाहते हैं दुष्यंत की अगुवाई में, हम इन सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करने को तैयार हैं। अल्टीमेट समाधान भी, अल्टीमेट समाधान क्या है जो ये चाहते हैं, अल्टीमेट समाधान करवाने के लिए भी हम हर सेक्रीफाइस देने को तैयार हैं। तब बड़ी हैरानी हूं, बहुत ही ओछी बातें किसान नेता ने कही, आपके सामने कही कि इनके पल्ले क्या है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी कि इनके पल्ले क्या है, ये इतने बड़ा जिम्मा उठा रहे हैं। अगर हमारे पल्ले नहीं तो हमारा विरोध क्यों, अगर दुष्यंत के पल्ले ही नहीं तो दुष्यंत का विरोध किस लिए। इस बात का जवाब 20 दिन से तो मुझे नहीं मिला, 6 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, एक को तो भारी कर दिया, इसका मैं बता रहा था यादव साहब का, उनको तो निकाल के बाहर फेंक दिया क्योंकि वो सिर्फ कुछ लोग जो जिन लोगों की और डेथ हुई थी उन पर बैठने चले गए, यानी ये कहां जा रहा है मूवमेंट, मैं आपको सिर्फ चेताना चाहता हूं, उनको बाहर निकाल करके फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंक दिया। मैं अब चंदूनी जी बचे हैं हरियाणा के, वो यहीं घूम रहे हैं, क्या पता यहीं हो, तो आप उनसे ये बात जरूर पूछिएगा। सीधा सीधा प्रश्न कि दिग्विजय ने जो 20 दिन पहले कहा था, भाई या तो तुम बात करो दुष्यंत पर, एक मौके विश्वास करो, जब आपने सब पर कर लिया तो एक मौके दुष्यंत पर करो और चलो दिल्ली, हम आपका मामला सुलटवाते हैं, और अगर वो ये माने कि हमारे पल्ले ही कुछ नहीं तो फिर हमारा विरोध क्यों। आज का जो दूसरा है, मैंने जमाल में देखा जब हम सब बोल लिए, लास्ट में जब दुष्यंत जी बोलने लगे तो कुछ लोग दुष्यंत जी का विरोध करने के लिए चढ़ गए घर पर, किसी छत पर काले झंडे लेकर के चढ़ गए, दुष्यंत जी बोलने लगे। अब इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को मैं, जो शाम को हुआ थाने के अंदर, किसान नेता भी पहुंच गए, उनका ठीक है, वो उनका राइट है अपने आदमी को वहां पे उसकी जमानत कराने के लिए। मैं आप पत्रकार लोग जो सारी चीजों को बहुत बारीकी से माइन्यूटली देखते हो, देश का चौथा स्तंभ हो, कमाल की बात देखो कि जमाल में हुए विरोध में जमाल का एक भी आदमी नहीं था। जमाल में जो विरोध हुआ उसमें जमाल का एक भी आदमी नहीं था। मैं नहीं कह रहा, आप उस थाने में जाओ जिनकी रिपोर्ट लिखी उनका पता लगा लो एड्रेस, एनलाबाद का एक भी आदमी नहीं था। मेरे को यह कहा सुना मैंने आप लोगों के माध्यम से, इनेलो के लोग ये कहते थे या किसान मोर्चा के लोग कह रहे थे कि गांव के बाहर बड़े बड़े बैनर लगा दिए, और ढोकड़ा गांव ने तो एज ये कह रहे थे कि ढोकड़ा गांव ने तो अगर ये कोई आएगा तो वापस नहीं जा पाएगा। मेरे प्रोग्राम बन रहे थे, मैंने कहा पहला प्रोग्राम ही ढोकड़ा में रखो। मैं ढोकड़ा गांव में प्रोग्राम करने गया, एक भी विरोध करने वाला नहीं था। मैं 3-4 दर्जन गांव में जाके आया हूं, एक भी व्यक्ति गांव का विरोध करने वाला नहीं, एनलाबाद हल्के का विरोध करने वाला नहीं। जिस सिकंदर के लिए इतना तमाशा हुआ वो भी मैंने सुना रोड़ी का निकला। मैं मीडिया के लोगों से कहूंगा कि आप लोगों की एक अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनलाबाद की जनता को आईना दिखाना, कि ये लोग स्पॉन्सर्ड लोग हैं। कल निशान सिंह जी का विरोध किया, वो लोग कौन थे, किसान नेता जो एक रोड शो कर रहे थे, उनके साथ पीछे गाड़ियां थी। मैंने वो एक फोटो मेरे सामने आई जिसको मैं आज आप लोगों से साझा करूंगा, हैरानी हुई कि जो बात हम डे वन से कह रहे हैं वो तो एक्सपोज ही होगी। ये लड़का हमारे साथ इंसो में हुआ करता था,
जो आज के दिन आईएसओ का प्रदेश का सेक्रेटरी है, इसने पत्थर मारे निशान सिंह जी की गाड़ी पर। एहलाबाद हलके का नहीं है, जितनी भी भीड़ थी, ये जो कल दो रैलियां हुई हैं जिसमें ये तमाम बड़ी बड़ी बातें कर करके गए हैं, उसमें आप उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमने करवाई है माइन्यूटली, कल तक वो सारी बातें लेके मैं आपके सामने आऊंगा। 90% इंडियन नेशनल लोकदल के स्पॉन्सर्ड पदाधिकारी वहां पर गए थे, यानी ये किसान मूवमेंट विरोध, इसमें एहलाबाद के लोगों का रोल नहीं, एहलाबाद में किसी गांव के आदमी का कोई रोल नहीं, ये तो सीमित हो गया। इन लोगों ने एक जिम्मा उठा लिया और इस हद तक चले गए जिसकी कोई व्याख्या नहीं, उसको कहने की कोई परिभाषा नहीं। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कल शाम से जननायक जनता पार्टी के वर्कर्स को इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी टेलीफोनिकली फोन कर रहे हैं। पहले तो चाय की डिमांड कर रहे हैं, और जब चाय की डिमांड के लिए वो व्यक्ति मना कर रहा है तो आपको हैरानी होगी, उसको धमका भी रहे हैं कि तू मुझे जानता नहीं, यानी अपना रंग आज जब ये देख लिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हालात देख लिए कि कुछ बचा नहीं, इलेक्शन का रिजल्ट तय हो चुका है, लोगों ने मन बना लिया, तो अपने पुराने रंग में फिर से रंग गए। एक वीडियो कल से वायरल हो रही है, हम देख रहे हैं कैसे लोगों को कहा जा रहा है कि कोई गांव में आए तो उसको पीटी हो, उसकी टांगे तोड़ देना, औरतों को महिलाओं को, हमारे इलाके के शांतिपूर्वक इलाका है उसमें कहा जा रहा है कि दंडों से लोगों को पीटना, यानी कहां ले जाना चाहते हैं हम, राजनीति का स्तर कितना गिर जाएगा। युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब ये कहेंगे कि डंडे हाथ में उठा लो और टांगे तोड़ दो, क्या हमने कभी इसकी कल्पना की थी। मैंने तो खुले तौर पे कहा कि जब बटन दबाने जाओ तो नरम और गर्म में से चुनना है। सिरसा जिले के लोग ठंडा आदमी और नरम पसंद करते हैं, मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख को मत डलेंगे, 2 को पेटियां खुलेंगी, एक इतिहास नया रचने जाएगा इलाहाबाद के अंदर। अपने जेजेपी के वर्कर से कि टेलीफोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखना, रिकॉर्डिंग कुछ मेरे पास आई भी, जरूरत पड़ेगी तो कल हम आपसे मिल करके उन सारी चीजों को आपके सामने रखेंगे। मगर हम क्योंकि जिम्मेवार लोग हैं, हमें अपनी परिवार की हर उन सीमाओं का भी पता है, हम उस हद तक नहीं जाना चाहते। कार्यकर्ताओं से कहूंगा, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत से, हौसले से, शांति प्रिय तरीके से पोलिंग कराएं। प्रजातांत्रिक प्रणाली, डेमोक्रेसी, इसी के लिए इसको वाइब्रेंट कहते हैं हम। सबको अधिकार है बात कहने का, सीमाओं में रह करके। एथिकल और मॉरल वैल्यूज डाउन ना हो, मगर अगर कोई धमकाए, कोई डराए, कोई टांगे तोड़ने की बात करे तो फिर इस गलतफहमी में वो व्यक्ति ना रहे, क्योंकि हरियाणा में कानून का राज है, कब्जा धब्जा का राज नहीं है। मुख्य मुद्दा यही था कि संयुक्त किसान मोर्चा की डेफिनेशन मैं समझ नहीं पाया, आप नहीं समझ पाए। कल जो तमाशा हुआ वो तो बड़ा हैरान करने वाला था। तो आप सिर्फ और सिर्फ, मेरा मकसद था कि लोगों के सामने इस बात को लाया जा सके, आप सबका पता चल जाए, चौका मारेंगे या लोग छक्का मारेंगे, ये 2 तारीख को पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेरी बात तो उन तक पहुंची जाएगी, क्या पता मेरे को सुन भी रहे हो, वो इस गलतफहमी में ना रहे, वो जो लोगों को धमका रहे हैं कि मेरे को जानते नहीं, ये लाइन उन्होंने बोली है, शायद जब मेरी बात सुन रहे होंगे तो रिकॉल कर जाएंगे कल रात को किसको कॉल किया था, तो इस गलतफहमी में वो ना रहे। मैंने तो कह ही दी ना खोल के बात आपके सामने कि एक इनेलो के लिए मांग रहा है, एक दूसरा कांग्रेस के लिए मांग रहा है। आप तो मेरे से लाख गुना समझदार है, और आपसे ज्यादा समझदार इलाहाबाद की जनता है, सबको पता है कौन किसका झोला भरना चाह रहा है और कौन किसका हटाना चाह रहा है। मगर वो कह के गए कि वो झोला जो है रख के गया था, पंचायती जगह है, मगर सिरसा की मीडिया ने वो झोला पहले ही खोल के देख लिया और दिखा भी दिया। संयुक्त किसान मोर्चा का एजेंडा क्या था दिल्ली में बैठे लोगों का, और आज कहां पहुंच गए, तो इससे इनका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है, ये कहां जाना चाहते हैं, अगर अब भी आप नहीं समझोगे, हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं समझेगी, तो मुझे बड़ी हैरानी है।
भाई अपील के असर वाले जो लोग हैं वो तो इनके साथ पहले ही हैं, जो अपील का असर करके या जो इस तरह के बहकावे में आने वाले वो तो उसी के बलबूते पे तो ये इस्तीफा दिया था। असर नहीं होगा, जो समझदार है वो इनके एक्सपोज होने के बाद हम उनसे दूर हो जाएंगे। अपने इलाके में जीत ज्यादा बड़ी नहीं हुआ करती, ये तो आपने देखी है, यहां की टेंडेंसी जो है वो बहुत साइलेंट है वोटर की, अपने मन का भाव आज तक किसी को बताता नहीं। चौटाला साहब शायद एक बार इलेक्शन जब हुआ था तो वो बड़े मार्जिन से जीते थे, जब वो सीएम बने थे, उसके बाद अभय सिंह लड़े थे, वो बड़े मार्जिन से जीते थे। मेरे हिसाब से उसके बाद कोई ऐसा इलेक्शन इस पूरे जिले में हो या आसपास हो जो बड़े मार्जिन से जीता हो, 10,000, 15,000 या 10,000 से कम, मैं मान के चलता हूं आज की स्थिति ये है। क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं तो सीधे तौर पर मैं कहता हूं कि हम 10,000 से 15,000 पर आज खड़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब वोटर वोट डालेगा 30 को तो ये जो गैप है ये और बढ़ेगा। डॉक्टर तंवर की मजबूरी है जी। मैं उनका बहुत आदर करता हूं और उनका जो एहसान हमारे पे है हम उसको भूलेंगे नहीं, मेरे को वो बहुत पसंद है एज ए इंडिविजुअल, पर उनकी पॉलिटिकल मजबूरी को आप समझिए कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते और हम बीजेपी के साथ अलायंस में हैं, नहीं तो वो हमारे साथ बैठे होते, उनकी मजबूरी है। उधर कांग्रेस में हुड्डा जब तक है वो नहीं जा सकते, तो फिर वो क्या करें, वो उनकी मजबूरी है।